तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमन टेक्निकल के अंदर। वेलकम टू अवर चैनल अमन टेक्निकल के अंदर। दोस्तों कैसे हैं? और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी करते होंगे। तो कम्युनिटी में मैंने आपसे पहले भी बोल दिया था कि मैं ऐसे कैंडिडेट्स को आपके सामने लेके आ रहा हूँ आपसे रूबरू कराने जो जो है बहुत सारे एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। उनमें से एक उन्होंने एग्जाम डीआरडीओ का भी क्लियर किया है, जिसमें रिटेन भी क्वालिफाई है और उसके बाद में जो आपका स्क्रिप्ट टेस्ट होता है वो भी क्वालिफाई है, दोनों क्वालिफाई है। तो एक एक करके जो है चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपना थोड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा सा। मैं राजेश कुमार, मैं राजस्थान के श्रीगंगानगर का निवासी हूँ। तो ये राजेश जी हैं और ये गंगानगर जो कि राजस्थान में पड़ता है और वहीं ये रहते हैं। तो सबसे पहले मैं हम जो है आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि आपने कितने जो है एग्जाम आप तक क्लियर कर चुके हैं? मैंने सबसे पहले एग्जाम मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने पहला कौन सा एग्जाम क्लियर किया उसके बाद? मैंने सबसे पहले डीआरडीओ का एग्जाम क्लियर किया था फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। ठीक है, मेरी 2019 के अंदर ही मतलब आईटी खत्म हुई थी और उसके बाद फर्स्ट एग्जाम मैंने डीआरडीओ का दिया था और डीआरडीओ फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया था। उसके बाद दिल्ली मेट्रो का दिया था। दिल्ली मेट्रो में तो आपको पता ही है वैकेंसी रिड्यूस होने के कारण उसमें तो किसी को नहीं ले पाए। उसके बाद मैंने एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया, वो भी मेरा क्लियर था और डीएफसीसीएल का भी एग्ज़ाम क्लियर था जिसमें यार मैं जॉब कर रहा हूँ। तो इन्होंने सबसे पहला डीआरडीओ का एग्ज़ाम क्लियर किया है, उसका रिटन प्लस उसका आपका स्किल टेस्ट को सब कुछ क्लियर कर रखा है इन्होंने। उसके बाद में इन्होंने डीएमआरसी का दिल्ली मेट्रो का भी एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है। उसके बाद में इन्होंने एनटीपीसी जो लेवल 5 का जो बोल रहे हैं वो भी एग्ज़ाम क्लियर किया है और फाइनली अभी ये जो है डीएफसी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में वर्किंग में, मतलब वो भी एग्ज़ाम क्लियर करके जो है अभी यहाँ पर वर्किंग में। तो ये तो इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा, आपका बैकग्राउंड रहा। तो सबसे पहले इन्होंने एग्जाम डीआरडीओ का दिया है, तो मैं डीआरडीओ के बारे में चूंकि आज की टेस्ट उसका होने वाला है तो उसके बारे में आपसे थोड़ा कुछ पूछना चाहता हूँ। तो हमारा एक क्वेश्चन है कि डीआरडीओ के स्किल टेस्ट के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे, मतलब शुरू से बिल्कुल बताना है आपको कैसे करके वहाँ पे एंट्री करते हैं। देखो, हमारा रिजल्ट आया था जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर 2020 में। ओके। और हमारा जो ट्रेड टेस्ट था वो था 22 जनवरी को। ओके। ठीक है, तो उसी के अनुसार हम वहाँ पे एक दिन पहले 21 जनवरी को पहुँच गए थे। तो मतलब आपका उसमें समय थोड़ा कम मिला था क्योंकि आपका मेरे ख्याल से 15 से 16 दिन आपको मिले हैं। और उससे पहले हम रिजल्ट आने के बाद हमने बहुत तैयारी भी की थी स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, हमने मतलब अलग अलग प्रैक्टिकल करके देखे। ओके ओके। उसके बाद हम मतलब बेंगलोर पहुंच गए 21 जनवरी को। तो इनका जो है पहले जो भी प्रोसेस रहा रहता है, शुरुआत में रिजल्ट आता है, उसके बाद में एडमिट कार्ड आता है स्किल टेस्ट के लिए और उसके बाद में इनका जो स्किल टेस्ट हुआ है वो बेंगलोर में हुआ है। देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हमारा ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका कोपा, इनका सबका बेंगलोर में हुआ था। आज हमसे राजेश जी मिले हैं और इनका भी स्किल टेस्ट यानी कि इलेक्ट्रिकल्स वालों का भी स्किल टेस्ट का होता है बेंगलोर में। तो उसके बाद क्या होता है जब वहाँ पहुँचते हैं? तो हमें वहाँ पे 10 बजे के अराउंड बुलाया गया था। ठीक है, तो वहाँ मतलब हम गए, उसके बाद वहाँ सिक्योरिटी खड़ी थी बाहर बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमें अंदर बुलाया गया। अंदर क्या हुआ, हमारे सिग्नेचर हुए पहले तो, फिर हमारी बायोमेट्रिक हुई। ठीक है, इसके बाद हमें एक हॉल के अंदर लेके गए। ठीक है, जहाँ लंच वगैरह भी हो रहा था, मतलब हमारे स्नैक्स वगैरह, ब्रेकफास्ट, हमारे से पहले जिनका प्रैक्टिकल हो चुका था वो भी लड़के बैठे थे, हमारे बाद वाले भी बैठे थे। ओके। ठीक है, तो ये मतलब पहले सबसे पहले एंट्री करेंगे तो आपका जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बैठा होगा वो आपकी एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के बाद में आपको अगले जो है भेज दिया जाता है और आपका जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह होता है उसके बाद में आपका बायोमेट्रिक होता है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। अच्छा, जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं, जब उसके बाद में लैब में जाते हैं, तब क्या प्रोसेस होती है वहाँ पे? प्रोसेस ये होती है कि वहाँ पे एक हमारे ये होता है कि एक बॉक्स होता है, उसके अंदर टोकन होते हैं अलग अलग नंबर के। वो टोकन्स अपने इच्छा अनुसार वो बोल देते हैं कि आप अपना एक टोकन उठा लीजिए। ठीक है, अपने इच्छा अनुसार एक टोकन उठा लिया, उसके बाद वो टोकन लेके अपने लैब के अंदर जाते हैं। लैब के अंदर क्या होता है, अलग अलग डेस्क लगे होते हैं और जो अपने को टोकन नंबर दिया गया है उसी टोकन नंबर के अनुसार अपने को वहाँ इंस्ट्रक्टर बिठा देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एग्जामिनर आता है, अपने को एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम वही अपने को मिलता है जिस डेस्क पे अपने बैठे हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि आप आए हैं, जब आप लैब में चले गए तो आपको एक टोकन दिया जाएगा, टोकन देने के बाद में जो उस टोकन के रिस्पेक्टिवली आपको जो है वो एग्ज़ाम पेपर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रोसेस ये हो गया। अब हम ये जानेंगे कि उस एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है, कैसे क्वेश्चन जो है आते हैं यहाँ पर। मतलब जैसे सभी को प्रेशर होता है, हमें भी प्रेशर था कि हमारा एग्जाम कैसा होगा, हमारे टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर लैंग्वेज क्या क्या होती है, मतलब
बहुत से क्वेश्चन ऐसे हमारे कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं कि मतलब वहाँ पर कौन सी क्वेश्चन, मतलब कौन सी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेंगे, क्या इंग्लिश पूछा जाएगा, कन्नड़ पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा, मतलब आप कोई प्रॉब्लम होती है, आपके कोई प्रॉब्लम होती है, आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी आपको वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, आपको उसी अनुसार इंस्ट्रक्टर आएंगे। अगर आप हिंदी प्रैक्टिस करोगे तो आपको हिंदी वाला इंस्ट्रक्टर आके क्वेश्चन पूछेंगे। तो वहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से जाइएगा, लैंग्वेज की कोई वहाँ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अच्छा ठीक है, आप बताएंगे क्वेश्चन जो है किस टाइप के पूछे जाते हैं वहाँ के। क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे जनरल सर्विस के बारे में, जनरल सर्विस जैसे बल्लभ का सीरीज पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, उसके बाद जैसे ये पंखा हो गया, पंखे का कनेक्शन, अच्छा ये सीलिंग फैन, सीलिंग फैन ने तो नहीं थे वहाँ पे, जो दूसरे टेबल फैन थे, टेबल फैन थे, एमसीबी हो गया, एनर्जी मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, मतलब बेसिक चीजें, बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। तो जैसे आपने बोला है कि बल्ब के बारे में पूछा था, तो वहाँ क्या मतलब कैसे पहले क्वेश्चन आता है उसका डायग्राम बनाना पड़ता है या पहले डायग्राम बना बनाया जाता है उसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है? ये आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके अंदर लिखा होगा सचित्र, मतलब पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा डायग्राम। अच्छा ठीक है, एक मान लो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो बताएं, क्या क्वेश्चन पूछा गया था? मेरे से ये पूछा गया था कि आप एक दो ट्यूबलाइट थे, ठीक है, दो बल्ब थे, ठीक, उनको बल्ब को तो सीरीज करंट में लगाना था, ठीक है, और जो ट्यूबलाइट थी उनको पैरेलल में, और एमसीबी और एनर्जी मीटर और वोल्ट मीटर तीनों लगाकर उनकी रीडिंग चलाना, चेक करके बताना है। तो बेसिकली जैसे हम हाउस वायरिंग में मतलब जो है एक कनेक्शन करते हैं, तो हाउस वायरिंग हमारी पैरेलल ही होती है, इतनी होती है, तो उसमें सबसे पहले हमारा एनर्जी मीटर लगा हुआ होता है, जो मतलब जो है ओवरहेड लाइन से एनर्जी मीटर तक आती है हमारी सप्लाई, एनर्जी मीटर से फिर हमारे जो है घर तक आती है, उसके बाद में जो भी कनेक्शन होते हैं, तो सबसे पहले इनको दो बल्ब दिए गए थे और दो ट्यूबलाइट दी गई थी, दो बल्बों को एक मतलब एक बल्ब को जो है दो बल्बों को पैरेलल में जोड़ना था और दो बल्बों को सीरीज में जोड़ना था, बल्ब को सीरीज के अंदर और ट्यूबलाइट, ठीक है, कुछ भी कैसे भी बोल सकते हैं उसको। तो फिर उसका पहले हम क्या बनाना, चित्र बनाना पड़ता है? हाँ, उसका डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। आप एक डायग्राम बनाकर, ठीक है, आपके पास जैसे इंस्ट्रक्टर होंगे, जैसे जो मेन एग्जामिनर होगा वो अलग होंगे, और जो इंस्ट्रक्टर होंगे छोटी मोटी हेल्प के लिए आपको कुछ जैसे टूल्स वगैरह चाहिए उसके लिए अलग होंगे, तो आप उनसे पहले थोड़ा सा डायग्राम चेक करवा लें कि आप सही बना जा रहे हो या नहीं। मतलब क्या है, कहिए कि मान लो आपने डायग्राम गलत बना दिया है, मतलब आपने दोनों तार जोड़ दिए हैं एक में ही, तो उसको बनाने से पहले, उसका प्रैक्टिकल करने से पहले हम प्रिकॉशन भी देखनी पड़ती है, हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आग भी लग सकती है, इसलिए जो इंस्ट्रक्टर होते हैं हमारे वो पहले चेक करते हैं आपके सर्किट को कि हाँ आपने सर्किट सही बनाया है नहीं बनाया है, उसके बाद ही आपको प्रैक्टिकल देते हैं, मतलब जो आपको पहले डायग्राम बनाना है उसी का आपको प्रैक्टिकल करना है, ये प्रोसेस होती है। हाँ जी, अब आपने डायग्राम बना लिया, प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिया, तो आप मतलब आपके पास इंस्ट्रक्टर आएंगे कि आपने प्रैक्टिकल पूरा कर लिया, ठीक है, आपसे पूछेंगे आपने पूरा कर लिया, उसके बाद वो एग्जामिनर को बुलाएंगे, एग्जामिनर आएगा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो मतलब वाइवा के रूप के अंदर, मतलब आपका पहले प्रैक्टिकल होगा उसके बाद वाइवा होता है, ठीक है। तो पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वाइवा जो होता है, और बहुत से यूट्यूबर्स जो है मैं आपको बता दूँ कि जो उनको कभी एक्सपीरियंस ही नहीं रहा है डीआरडीओ का, एनएफएल का, और वो बोलते हैं नहीं है वाइवा वगैरह नहीं होता है, तो पहले भी मैंने आपको वाइवा बोला है, ऐसा कोई संस्कृतेश नहीं है जहाँ पर आपको वाइवा ना हो, जहाँ प्रैक्टिकल होगा अपना वाइवा 100% होगा। तो राजेश जी ने भी बताया वाइवा होता है, तो मैं भी बताता हूँ आपको कि वाइवा होता है वहाँ पे, तो वाइवा की तैयारी भी हम करके जाएंगे, प्रैक्टिकल की तैयारी भी हम करके जाएंगे। तो अच्छा, आप कोई बुक सजेस्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल वालों को कि मतलब कौन सी बुक मैं पढ़ के जाऊँ या फिर क्या करके जाऊँ, या कोई प्रैक्टिकल बुक हो इसके टेस्ट के लिए? देखो, हमने तो जो प्रैक्टिकल आईटीए के अंदर किए थे ना, वही बुक प्रैक्टिकल की बुक आती है, उससे ही पढ़ के गए थे, ठीक है, और उसमें क्या है, ज़्यादा रिटर्न लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है, अगर अपना डायग्राम सही है और अपने सही काम मतलब कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो अपने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि हम आईटी में क्या करते हैं कि जब प्रैक्टिकल कोई भी करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि उपयुक्त इसमें सामग्री, नहीं वो जरूरत नहीं है, वो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, अपने को उस जो डायग्राम बनाया है वो डायग्राम सही आना चाहिए और उसका प्रोसीजर सही, प्रोसीजर लिख दो आप। तो पहले मैंने आपको बताया था, आपने शायद वीडियो देखी होगी या नहीं, आप देखना जाके, मैंने पहले आपको बताया था कि जो आपका प्रैक्टिकल आएगा उस प्रैक्टिकल के बारे में आपको जो है लिखना है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो डायग्राम बना बनाया जाता है, इलेक्ट्रिकल्स में आपको पहले बनाना पड़ता है उसके बाद में प्रैक्टिकल करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में डायग्राम बना बनाया आता है
और उसके बाद में उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको बनाना पड़ता है मतलब पीसीबी पे, और उसके बारे में थोड़ा सा जैसे मान लो एंड गेट या और गेट आया तो उसकी आपको ट्रुथ टेबल लिखनी है, और कुछ नहीं लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, उसके बारे में लिख दो कि एंड गेट की वर्किंग क्या होती है, जब इनपुट इतना होता है तो आउटपुट क्या होगा, बस बिल्कुल भी ये नहीं लिखना है कि सामग्री इसमें सामान प्रयोग होने वाले कंपोनेंट्स ये बिल्कुल भी नहीं लिखना है, अगर वो कहते हैं कि क्रियाविधि ये लिखो तभी लिखना है आपको, अदरवाइज ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद में जब हमारा आपका प्रैक्टिकल हो गया था तो आपका प्रैक्टिकल कैसा रहा ये था? मेरा प्रैक्टिकल मैंने बिल्कुल सही से बनाया उसको, ठीक है, उसमें मैंने रीडिंग भी दी उनको, मतलब इन जो आपने आए थे एग्जामिनर और इंस्ट्रक्टर उनको रीडिंग भी लिख के दी बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मेरा वाइवा लिया, उन्होंने वाइवा में मेरे से पूछा कि मतलब अपने अगर इसको उल्टा कर दें ठीक है तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो मैंने उनका आंसर दे दिया, ठीक है। okay. फिर उसके बाद जो मैडम ने, मैडम से मैंने पूछ लिया, मेरे जो इंस्ट्रक्टर साथ में थे वो मैडम थे, उनसे मैंने पूछ लिया कि मैम क्या मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, तो मैम बोली आप क्वालिफाई हो, ऑलरेडी क्वालिफाई हो। तो वैसे तो आपको वैसे ही पता लगेगा आपका प्रैक्टिकल सब कुछ ठीक है, डायग्राम सब कुछ ठीक है, तो आपको वहीं पर पता लग ही जाता है कि हाँ मेरा जो है स्किल टेस्ट एटलीस्ट जो है क्लियर हो गया है, और उसके बाद में जो भी आपका फाइनल रिजल्ट जो है जो भी रहता है वो तो बात की बात है, और वो तो आपका मेरिट के अनुसार ही आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। फिलहाल जो हमारे जो राजेश जी हैं इन्होंने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं, जिसका जिसमें आपका डीआरडीओ का भी एग्जाम था, उसके बारे में इन्होंने बताया है कि कैसे करके वहाँ पर स्किल टेस्ट का प्रोसीजर रहता है, कैसे करके वहाँ पर स्किल टेस्ट दिया जाता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद में क्या क्या प्रोसीजर होता है। अच्छा, जब हम स्किल टेस्ट के लिए जाते हैं तो क्या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ में ले जाते हैं या फिर कुछ नहीं? जैसे आपको एक कॉल लेटर आएगा, एक तो वो लेके जाना है और एक आपकी आइडेंटिटी। तो पहले भी आपको बताया था मैंने कि जो एडमिट कार्ड वगैरह आता है वो आपको ले जाना है, और एडमिट कार्ड ले जाने के बाद में आपको साथ साथ में आपका जो फोटो अगर आपने वो भी ले सकते हैं, आधार कार्ड भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ ले जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या रहा ऑडियंस, क्योंकि ये सवाल उठेगा अपन में कि आपने डीआरडीओ ज्वाइन क्यों नहीं किया, क्या रीज़न रहा था आपका? देखो, मैं जब फाइनल रिजल्ट आया उसके अंदर मेरा ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई था और मेरा रिटन एग्ज़ाम भी क्वालिफाई था, लेकिन कुछ माइनर अंकों से पॉइंटों से रह गया मैं। हाँ, तो एक्चुअल में जो पिछली रिक्रूटमेंट थी वहाँ पर वैकेंसी थोड़ी कम देखने को मिल रही थी, और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल में थोड़ा कंपटीशन भी हाई होता है, तो वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मैं तो कुछ माइनर जो है पॉइंट्स से वहाँ पर जो है फाइनल में मेरा जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसके बाद में उन्होंने डीएमआरसी का भी एग्ज़ाम दिया है, और उसके बाद में एनटीपीसी लेवल 5 का भी एग्ज़ाम दिया है, डीएफसीसीएल इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि रेलवे का एक पीएसयू है, वहाँ पर जो है ये वर्किंग कर रहे हैं। और कौन सी पोस्ट पे हैं? मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हैं। तो ये थे आज के सेशन में हमारे राजेश जी मेहमान थे आज, तो आपके कौन और कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके माइंड में जो है पुट अप हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम जल्द ही एक उन क्वेश्चन की जो है पूरी समरी आपके सामने लेके आएंगे, उनके आंसर लेके आएंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।